दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एडेनियम की। दोस्तों अब हमें एडेनियम के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है क्योंकि अब विंटर आ रहा है। मैंने पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जो आप लोगों ने बहुत लाइक करी और उसमें मैंने आपको बताया था कि चलो अपने एडेनियम को अब हम सुला देते हैं और मैंने कहा था आपसे 15 नवंबर के आसपास के हमें इसको एडेनियम को सुलाना है। तो दोस्तों अब बिल्कुल सही समय है, अब लगभग ठंडक स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें अपने एडेनियम की धीरे धीरे तैयारी कर लेनी है कि किस प्रकार से हम अपने एडेनियम को सेव करें। तो आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये देखिए, ये है मेरी सूखे पत्तियों की खाद। आप देख रहे हैं, देखिए इसकी क्वालिटी देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने निकाल के आपके लिए रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये बनाई हुई थी पूरी गर्मियों के अंदर, जो मैं पत्तियाँ सूखी पत्तियाँ एक टैंक के अंदर डाल देता हूँ। तो अब मेरी करीब करीब ये 20 से 25 किलो मेरी ये सूखे पत्तियों की खाद इस प्रकार से बन गई है और देख रहे हैं आप इसकी क्वालिटी। आप एक बार इसको बनाएंगे ना तो दोस्तों तो आप इसके बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे, आपको कोई भी और खाद अच्छी लगेगी नहीं। और ये बहुत ही यूज़फुल होती है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और दोस्तों नेचर का नेचर को हम दे रहे हैं तो इससे बढ़िया और हो क्या सकता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो दोस्तों ये हमारी सूखे पत्तियों की खाद। अगर आपके पास सूखे पत्तियों की खाद नहीं है तो नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप एडेनियम लवर है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एडेनियम में सूखे पत्तियों की खाद डालिए, इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। गर्मियों के अंदर ये बहुत लाभकारी है और सर्दियों में भी ये बहुत लाभकारी होती है। तो इसके बदले आप क्या ले सकते हैं, इसके बदले आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। गोबर की खाद को लेने की कोशिश इस वक्त ना करें क्योंकि गोबर की खाद आपको इतनी अच्छी बनी हुई नहीं मिलेगी तैयार। तो अगर वो थोड़ा सा भी कच्ची हुई या थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर फंगस हुआ तो आपके सर्दियों में एडेनियम को ख़राब कर सकती है। तो वर्मी कंपोस्ट अच्छी कंपनी का लें जो बिल्कुल बढ़िया हो, भुरभुरा हो, उसको लीजिए। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको एंटी फंगस पाउडर कोई भी हो उसको थोड़ा सा मिला लीजिए। दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा स्टेप आपको याद रखने हैं कि अगर आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा फंगस पाउडर मिला लीजिए जिससे कि किसी भी प्रकार के फंगस आने की उसमें संभावना ना हो। और आपको साथ में लेनी है ये थोड़ा सा बदरपुर, ये क्या करना है, किस प्रकार से करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो ये दोनों चीज़ें आपने लेनी है और अपने इसको प्लांट्स में अब अप्लाई करना है। और देखिए मैं आपको एक प्लांट एक ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, देखिए ये तो इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया है और दूसरे प्लांट में मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा ये किस प्रकार से हमें करना है, कितनी मिट्टी निकालनी है, बहुत सावधानी से आपको ये काम करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमें कैसे करना है इसको। तो दोस्तों हम इस प्लांट्स को देखिए अभी आपके सामने तैयार करके दिखाते हैं। आप इसकी फ्लावरिंग देखिए, बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। साइज बहुत छोटा हो गया जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े से बर्ड्स भी आपके जल रहे होंगे, नहीं खिल पा रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये विंटर के अंदर अक्सर होता है। और अगर फ्लावर आ रहे हैं तो इनको आने दीजिए, इनको आपने कुछ नहीं करना है। जो पीली पत्तियां जो ये सूखी इस प्रकार से हैं, अगर आप चाहें तो इनको हटा सकते हैं, अदरवाइज ये अपने आप गिर जाती है। दोस्तों इनको हटाते रहना है आपने, इनकी प्लांट को अपने साफ रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और कभी कभी अगर अच्छी धूप आपके अंदर आई हो तो पानी से इसको ना स्प्रे कर दिया करें, पत्तों को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा साफ कर दिया करें। थोड़ा स्प्रे डालते हुए अगर आप साफ करेंगे तो इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो बहुत अच्छी रहेगी, आपका एडेनियम अभी भी थोड़ा थोड़ा अच्छा ग्रो करता रहेगा। बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि अब डॉर्मेंसी पीरियड है, लेकिन ये अपना भोजन बनाता रहेगा। तो दोस्तों अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए ये आप देख रहे हैं मेरा गमला, तो ये इस प्रकार के जितने भी आपके प्लांट्स हैं इनको सब आपने हटा लेना है। आप और साथ में ये जो मैंने ऊपर से जितने भी ये सब लगा रखे थे पत्थरों को, इस प्रकार के जो सोपीस पत्थर या ये सब आपको हटा लेने हैं। दोस्तों इनको अब हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इनको किसी संभाल के रख लीजिए, आपके नेक्स्ट सीजन में काम आएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें से सारी मिट्टी निकाल दी है, आप इस रूट्स को देख पा रहे होंगे। ज़्यादा आपको रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, अपनी ये जो आपने जो भी आपके पास वर्मी कंपोस्ट या इस प्रकार की कोई खाद है इसको आप थोड़ा सा लीजिए और इस प्रकार से इसके साइड्स में डाल दीजिए। ये देखिए काफ़ी खाद आपकी लग जाएगी इस वक्त और ये खाद आपकी आगे भी काम आएगी। जब आप फरवरी में इसको रिपोर्ट करेंगे तो आराम से हम इसको निकालेंगे। दोस्तों ये इस वक्त इसके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगी, आप करके देखिए, आपके प्लांट्स मरेंगे नहीं और इम्यून सिस्टम इनका बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैंने इसमें करीब करीब ये 3-4 मुट्ठी काफ़ी खाद लग गई है मेरी, 100-150 ग्राम से ज़्यादा मेरी इसमें ये खाद लग गई है, लेकिन दोस्तों ये इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, एक लेयर हम डाल देंगे इसमें, ये जो हमारे पास रेत हो या इस प्रकार से जो बदरपुर है इससे ऊपर से इसको ढक दीजिए और बिल्कुल ऊपर तक ढक देना है आपको कि जिससे इसमें ज़्यादा अगर बारिश वगैरह भी हो जाए तो ज़्यादा पानी नाट के, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसको पूरा ऊपर से ये इस प्रकार से कवर कर लिया है, अब देखिए ना इसकी खूबसूरती भी बढ़ गई है। और अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जब आप
सर्दियों के अंदर अगर थोड़ा बहुत ओस गिरेगी भी ना तो ये बिल्कुल इसके रूट्स को ज़्यादा तंग नहीं करेगी, ये ओस ऊपर तक आपकी बजरी तक रह जाएगी और थोड़ा सा नीचे लीव कंपोस्ट है वो उसको सोख कर लेगी और रूट्स तक बहुत ज़्यादा नहीं जा पाएगी। और अगर थोड़ा सा जाती भी है तो आपके प्लांट्स को उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों हमें ज़्यादा जब इसकी विंटर बहुत ज़्यादा विंटर हो जाएगा, जब ज़्यादा ही धूप भी बंद हो जाएगी और टेम्परेचर भी हमारे वहाँ जैसे 3-4 डिग्री तक आ जाता है, तब आपको इसको अपने शेड में रखना है, तब उसमें रिस्क नहीं लेना है, तब ये भी आपका काम नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये सब काम नहीं करेगा। और उस वक्त अगर बारिश हो जाती है तो उस बारिश से तो आपने अपने एडेनियम को बिल्कुल बचाना है, अदरवाइज आपका एडेनियम बचने वाला बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों बस इतनी सी बात थी जो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लाना चाह रहा था। पहले भी मैंने आपको बताया लेकिन बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए कि हमें किस प्रकार से करना है, तो वीडियो पूरी आप देखिए, आपको अब आई होप कि अच्छी तरह से ये प्रोसेस समझ में आ गई हो। हाँ, अगर आपके पास, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास ये लीफ मोल्ड नहीं है तो आप इसके बदले उस वर्मी कंपोस्ट को यूज़ कीजिए, गोबर की खाद को यूज़ मत करना। गोबर की खाद अगर है तो आपके पास पुरानी या भुरभुरी होनी चाहिए, किचन वेस्ट को भी ना लें, अगर वो भी है तो वो भी भुरभुरी होनी चाहिए आपके पास। इसी प्रकार से छन्नी भी होनी चाहिए, छन्नी से उसको छान लें, बिल्कुल बारीक बना लें, तब जाके इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट सीजन के लिए आप ज़रूर कोशिश करें कि आप भी मेरी तरह इस प्रकार से ड्राई लीव्स की खाद बना पाएं। तो दोस्तों हम गार्डनर लोग ना इस लीफ मोल्ड को बोलते हैं अपने लिए गोल्ड, ये हमारे गार्डन में गोल्ड का काम करती है, तो ये सोने जैसी हमारे लिए होती है। तो ये खादों में सर्वश्रेष्ठ खाद है और इससे आपके प्लांट्स की इम्यूनिटी बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है। आप NPK न डाल के अपने प्लांट्स में ये डालिए, आप भी मेरी तरह फिर फ्लावर्स को इंजॉय करेंगे। जो आपके यहाँ फ्लावर्स नहीं आते हैं आप करके देखिए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो तो, अगर आप भी कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।